इस वीडियो में आपको सॉल्व करके दिखाएंगे सिंप्लीफिकेशन का इस क्वेश्चन। आप जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इस क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो। तो हाय दोस्तों, मेरा और आपका कोचिंग सेंटर स्मार्ट स्टडी फॉर करियर में आपका फिर से स्वागत है। सॉल्व करने से पहले अगर दोस्तों मेरा और आपका कोचिंग सेंटर स्मार्ट स्टडी फॉर करियर का सब्सक्राइबर नहीं है तो जल्दी से सब्सक्राइबर हो जाइए और मेरे साथ स्मार्टली स्टडी कीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन मेनली एक्स पकड़ कर सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए एक्स पूरा के पूरा एक्स पकड़ लेते हैं, तब कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल टू रूट अंडर टू इंटू क्यूब रूट अंडर फोर इंटू रूट अंडर टू इंटू क्यूब रूट अंडर फोर, इसी तरह इन्फिनिटी तक है। तो देखिए यहाँ पर स्क्वायर रूट है पहले, तो स्क्वायर रूट को पहले निकालना पड़ेगा। तो स्क्वायर दोनों साइड को स्क्वायर कर दीजिए, तब कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर करेंगे तो टू रह जाएगा, रूट उठ जाएगा, तो टू इंटू यहाँ पर क्यूब रूट अंडर फोर इंटू रूट अंडर टू इंटू क्यूब रूट अंडर फोर, इसी तरह इन्फिनिटी तक है। तो चलिए देखिए, पहले स्क्वायर रूट निकल गया, अब क्यूब रूट है उसको निकालना पड़ेगा। तो देखिए दोनों साइड को क्यूब कर दीजिए, तब एक्स स्क्वायर का क्यूब इक्वल टू टू का क्यूब इंटू इसका क्यूब करेंगे तो फोर रह जाएगा, इंटू रूट टू रह जाएगा, इंटू क्यूब रूट फोर, इसी तरह इन्फिनिटी तक है। अब यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा, देखिए कि एक्स इक्वल टू थ्री इंटू टू सिक्स इक्वल टू टू क्यूब इंटू फोर, तो इसको हमने लिख सकते हैं टू क्यूब इंटू फोर को टू टू दी पावर फाइव लिख सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टू क्यूब इंटू फोर का 32 हो जाएगा और 32 टू टू दी पावर फाइव का वैल्यू है। अब देखिए इंटू देखिए रूट टू इंटू क्यूब रूट फोर, इसी तरह चलते जाएगा इन्फिनिटी तक। तो इसका जो वैल्यू है पहले ले लिया कि एक्स है, तो यहाँ पर एक्स लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक्स टू दी पावर सिक्स है और वन एक्स इस साइड में है, तो एक्स टू दी पावर फाइव लिख सकते हैं, इस एक्स को काट सकते हैं। तो एक्स टू दी पावर फाइव इक्वल टू 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 दी पावर फाइव हो जाएगा। तब देखिए दोनों का जो पावर है वो इक्वल है फाइव फाइव, तो एक्स इक्वल टू का वैल्यू टू हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो वैल्यू है वो इक्वल टू टू हो जाएगा। तो दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन घुमा फिरा के भी देख सकते हैं, तो आप इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना ना भूले और मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी फॉर करियर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।